अब तुम न पढ़ते हो बैरन, हम तो ब्रांड पढ़े, हम तो पहली बात पे। चलिए तो चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। लिक्विड स्क्रीन फ्रीज है। तो चलिए भाई छोटी छोटी चीजें पहले खत्म फिनिश कर देते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं और कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको ना? तो सॉल्यूशन की डिफिनेशन होती है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू, इसका बोर्ड एनआरबी सर पढ़ा है ना? हाँ सर। यस सर। खत्म हो चुका है, अभी पी ब्लॉक चल रहा होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। सॉल्यूशन के बाद हम भी पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, तो पी ब्लॉक को बहुत कायदे से पढ़ के रखिएगा। मोर देन, जितना याद करने वाली चीजें सब याद रख रखे। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, इसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इसमें कुछ बातें होती हैं। पहली बात याद करने वाली, अगर केवल दो कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। बोलिए, इफ देयर आर ओनली टू कंपोनेंट, तो अगर केवल दो कंपोनेंट सॉल्यूशन है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमें पढ़ना बाइनरी ही, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर थ्री कंपोनेंट होंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ट्राइनरी। ट्राइनरी सॉल्यूशन। और अगर चार कंपोनेंट होंगे तो क्वार्टनरी। ईटीसी। अभी मत कहना पांच कंपोनेंट, मतलब पूरा चरणामृत बनाओगे क्या पूजा में? चलो अब पहली बात तो ये समझ में आए कि दो कंपोनेंट वाले को बाइनरी। वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, हमें पढ़ना केवल यही। दो से ज्यादा कंपोनेंट हम डालेंगे नहीं, क्योंकि हमारी क्लास भी प्लस टू है, दस के बाद प्लस टू ही है, तो दो ही कंपोनेंट डालेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सल्यूट आपको भी पता था, द कंपोनेंट विच इज इन लेस अमाउंट कॉल्ड सल्यूट। द कंपोनेंट, विक्रांत जल्दी से रिकवर होइए भाई, विच इज, तीन लोग क्लास कोविड पॉजिटिव है, फटाफट नींबू पानी दबा के पीजिए। कोविड आपको पता होना चाहिए केवल प्रोटीन को तोड़ता है आपकी बॉडी में, उसका खाना आपका प्रोटीन है, तो आप इतना खाना खा लीजिए कि उसका पेट 24 घंटे भरा रहे, कोरोना कुछ कर ही नहीं पाएगा, चला जाएगा। द कंपोनेंट विच इज इन लेस अमाउंट, जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और द कंपोनेंट विच इज इन एक्सेस अमाउंट, जो ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट।
solvent. So the component which is in excess amount इसे बोलते हैं सॉल्वेंट. ठीक. उसके बाद सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का होता है. बोलो. हाँ सर. द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज the physical state of solvent. जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रक चीनी लेके जा रहा है, एक ट्रक में 1000 kg मतलब 1 ton चीनी है और 10 ton चीनी जा रही है कहीं ट्रक से, मान लीजिए कोविड हॉस्पिटल में शरबत पिलाने के लिए. आप अपने छत पर से उसमें 2 glass पानी फेंक देंगे तो क्या सोल्यूशन बन जाएगा ट्रक में? क्या नहीं सर. वो तो चीनी सक कर लेगी आपके 2 glass पानी को, तो फिजिकल स्टेट तो सॉलिड ही रहेगा. तो अगर सोल्यूशन आप मान भी रहे हैं कि हमने तो पानी डाला है, कंपोनेंट तो डाल ही दिया, ठीक है सोल्यूशन बन गया, पानी मिल भी गया, होमोजीनियस भी हो गया, लेकिन स्टेट चीनी ही रहेगी. बोलिए. सॉल्वेंट. तो सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही रहता है जो सॉल्वेंट का रहता है. हाँ एक बात है कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट सेम हो जाए तो पानी को हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है. वो तो लास्ट क्या लिखोगे? H2O इज टेकन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह लिया जाता है. H2O इज टेकन एज. क्यों, क्या रीजन है भाई सौम्य सर में, क्या रीजन है कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं? इसके 2 कारण हैं. पहला रीजन तो यह है कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा, तो इजीली अवेलेबल एंड सस्ता चीप भी है, और दूसरा नियरली 95% सॉल्यूट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर. पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है कि नियरली 95% या 99% लिख लीजिए, नियरली मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट आर सॉल्युबल. अब क्यों सॉल्युबल होते हैं? ड्यू टू वेरी वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर. बोलो. पानी का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इतना ज्यादा होता है, वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. कितना होता है? 78 point something होता है. बोलो. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? आयनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को पानी क्या कर देता है? कम. ये एक आयन है Q1, ये दूसरा आयन है Q2, इस पे फोर्स लग रहा है F. बोलो. हाँ सर. तो वाटर क्या करता है? कूलम फोर्स याद आ रहा है? F बराबर 1/4πε0K Q1 Q2 / r2. तो अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाए? कम. आगे बढ़ा जाए. यस हाँ सर. अब आते हैं सॉल्यूशन कितने प्रकार के हमें पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने. देखो पढ़ने की तो कोशिश लगभग सभी की जाएगी. हाँ कुछ इस चैप्टर में की जाएगी, कुछ सरफेस केमिस्ट्री में की जाएगी, लेकिन की तो सभी जाएगी. तो देखो फिजिकल में कुछ है नहीं, बड़ी स्मूथ जाती है, बिल्कुल 11th class 11th की फीलिंग आएगी. तुमने बोर्ड में पढ़ के देखा भी होगा.
मिटा दे भाई। हाँ सर, ये 1/4πε0 को ही के कहते हैं। नहीं नहीं देखो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। जो कोलंबियन फोर्स होता है क्या होता है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 R² होता है ना। इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। बोलो एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। जब वैक्यूम रहता है तो के बराबर वन, फॉर वैक्यूम। सर सही है, सही है, के बराबर वन, तो एप्सिलॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल किया था, बाकी किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट के। समझ गए लड़की? हाँ सर। अब अच्छा, आई मीन इस के को ये के डैश समझो, 1/4πε0 को। समझ आ गया। हाँ, अब दुनिया में हर कांस्टेंट को तो के ही लिखेंगे। बोलो सर, इसको रिलेटिव परमिटिविटी का नाम दिया। हाँ, परमिटिविटी होती है माध्यम का, मीडियम का परावैद्युता, ये परमिटिविटी है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम के लिए के वन कंसीडर किया जाता है। तो कुलम फोर्स में देखोगे कि हम वैक्यूम में ही रखते हैं, चार्ज को पानी में रख देंगे तो के तो आ ही जाता है। बोलो। चलिए मिटा दें। सर नीचे करेंगे। चलिए अब बारी आती है सोल्यूशन की, कितने टाइप होती है। चलिए देखते हैं। चलो 78 क्या लिखा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, बहुत ज्यादा होता है ना पानी का, इसीलिए तो लगभग लगभग सभी चीजें टूटने लगती, कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में जल्दी टूटने लगता है के ज्यादा होने की वजह। देखो पहली बात, सॉल्यूशन के कितने टाइप होंगे, देखो ध्यान से देखना। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के नंबर के आधार पे, अभी तुमने पढ़ा सॉल्यूशन का क्या क्या पढ़ा, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, बोलो क्वार्टनरी सॉल्यूशन, भाई दो कंपोनेंट होगा तो बाइनरी, तीन कंपोनेंट होगा ट्राइनरी, चार कंपोनेंट होगा क्वार्टनरी, तो कंपोनेंट के आधार पर तो सॉल्यूशन इतने टाइप के जाएंगे। हर्ष पावले क्या हमारी बातों को सुन पा रहे हो? हर्ष पावले बता दो, ऊपर वाले की कसम है तुम्हें, क्या हमारी बातें सुन पा रहे? हाँ सर सुन रहे हैं, ऊपर वाले की कसम आपने अभी दी। तब सुनने लगे, बताओ कितने नंबर आए हैं, उसके बाकी की बातें आज नहीं दिया इस बार। मैं दाने जंग से डर लग रहा था। नहीं कितनी बार तो दे चुका हूँ, ऐसा नहीं है, वो मेरे नाना जी का डेथ हुआ कोरोना की वजह से। अगर रीजन कहीं भी कोरोना ही आ रहा है इस समय, बाकी कोई बच्चा कोई और रीजन नहीं दे पाएगा। चलो कोई बात नहीं, कोरोना इसलिए क्योंकि उनका पहले से वो हार्ट, मतलब हार्ट डिजीज से उनको तो हार्ट फेल हो गया पूरा। हाँ समझ गया, जब रोहित सरदाना के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तो। हाँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के आधार पे सोल्यूशन कितने टाइप का होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसे तुम लोग लैब में पता है CONK H2SO4। बोलो। हाँ सर ठीक। अब देखो भाई सौम्य शर्मा,
ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन. सैचुरेशन जानती हो? हाँ सर. जैसे तुमने 65 पे हार मान ली तो 60 से 70 नंबर ही तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट है. 70 से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा. अभी कितने आए? 70. मतलब पिछली बार से 6 नंबर तो ज्यादा ही आए हैं. तो सैचुरेशन के आधार पर, सैचुरेशन का मतलब समझिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला जाता है फिर थोड़ा सा हिलाया जाता है सॉल्यूट, फिर डाला फिर हिलाया सॉल्यूट. कभी तो ऐसा समय आएगा जब नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. इफ वी एड अ सिंगल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट देन इट विल प्रेसिपिटाइज, तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा. बोलो. हाँ सर. उसी स्टेट को कहते हैं संतृप्त अवस्था, सैचुरेटेड स्टेट. अब तृप्त हो चुका है, उसका पेट भर चुका है, वो सॉल्यूट नहीं ले पाएगा. बोलो. तो सैचुरेशन के आधार पर भी सॉल्यूशन के कई टाइप होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड. बोलो. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा सुपर सैचुरेटेड. ओम दवे, सुपर सैचुरेटेड का नाम सुने हो? आयनिक में मैंने थोड़ा सा बताया था, याद करो. सुपर सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेटेड हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज, थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा उसको मतलब जैसे पेट भर गया तो एक इनो बुलबुले चला करके फिर 6 सेकंड में 2 समोसा की जगह खाली कर दो, फिर 2 समोसा डालो, फिर एक इनो बुलबुले खाओ, फिर समोसा डालो, ऐसे करते करते तब तक डालो जब तक प्राण न निकल जाए. बोलो. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, आगे बढ़े. सर एक मिनट लिखना बाकी है. चलिए नेक्स्ट देखिए. ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल की साइज के आधार पर. अगर सॉल्यूट पार्टिकल की साइज बहुत कम होती है, 100 एंगस्ट्रॉम से नीचे हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब जिनमें डालने पर सॉल्यूट दिखाई ही नहीं देता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है. बोलो. एक होता है कोलाइडल, ये क्लास 10th में नाम सुने होगा. बोलो. हाँ सर. यस सर. कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल की एक फिक्स रेंज होती है, धुधला धुधला. और तीसरा होता है, ये भी सुने होगे, सस्पेंशन. बोलो. हाँ सर. जैसे पानी में बालू डाल दो, 2 मुट्ठी, एकदम पूरा ओपेक साफ साफ दिखाई देगा. बोलो. हाँ सर. चल फिर देखो. ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ, याद आ ही रहा होगा तुम्हें. बोलो. राउल्ट लॉ के आधार पे कितने टाइप के सोल्यूशन होंगे? आइडियल सोल्यूशन एंड, और दूसरा कौन होगा? अरे भूल गए क्या इतने जल्दी? राउल्ट लॉ पढ़ाए होंगे सर. नॉन आइडियल सोल्यूशन. और ऐसे मतलब ऐसे करके लिख दो एंड सो ऑन. अगर हम इसी पे तुल जाए तब तो हम लोग 15 दिन यही सब किया जाएगा. बोलो. इस प्रकार से हम बहुत सारे सॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं. चलो आगे बढ़े. एक मिनट.
तो आज से एकदम कसम खा लीजिए, जा करके जीओसी जब तक मेंस और एडवांस पूरा आप नहीं लगा लेते हैं चैन से न बैठिएगा। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अ चाइल्ड टीचेज हिमसेल्फ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक बच्चा हो जो स्वयं को पढ़ाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे पढ़ा नहीं सकती। टीचर का काम होता है मात्र रास्ता दिखा देना कि नहीं नहीं ये रास्ता गलत है, ये वाला सही, चल के तो उसी को जाना पड़ता है। बोलो तो अगर कोई लगाएगा ही नहीं बच्चा तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं, मेरे बस में नहीं। आगे बढ़ा जाए, बोलिए मिटा दें। एक मिनट लिखी लिखी जल्दी। अरे अभी तुम बहुत सारे छोड़ दिए, जगह नहीं था तो कितने सोल्यूशन उसमें बनाए। चलिए हाँ सर हो गया। अब लिखिए, अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से राइज होता है, पहले हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फिर वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फिर आगे बढ़ेंगे हेनरी लॉ वगैरह ये सब अनुसरण। ठीक, तो पहला चीज समझते हैं, लिखो टर्म्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टर्म्स एक्सप्रेशिंग एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के बहुत सारे टर्म्स हैं, देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, देयर आर सो मेनी यूनिट, ये कंसंट्रेशन यूनिट कहलाता है, ऐसे और बोल सकते हो कंसंट्रेशन यूनिट, तो देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारी यूनिट्स, जैसे पहला कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। बोलो वी हैव टू स्टडी, ऊपर लिख देना वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सोल्यूशन, हम इस चैप्टर में केवल टू कंपोनेंट सोल्यूशन का स्टडी करेंगे। तो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, दूसरा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, इसे ही और क्या हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी, कैपिटल है। तीसरा मोलैलिटी, बोलो स्मॉल, ये सब कंसंट्रेशन यूनिट है। चौथा मोल फ्रैक्शन, बोलो एक्स। अब तुम इस चैप्टर में देखे होगे इन तीनों के अलावा किसी कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैलिटी आएगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक जगह मोलैरिटी आएगी। बोलो Yes, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं, तो कोशिश ये करना है कि इन तीनों को इंटर रिलेट करने वाले क्वेश्चन जरूर लगा लेना, जैसे मोलैरिटी कुछ हम भी करा देंगे, मोलैरिटी को मोलैलिटी में बदलना, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन लाना, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन लाना, मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी मोलैरिटी लाना, ये सब अगर आपस में सीखे हैं तो आपको किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह मोलैलिटी दिया हो, कभी कभी परसेंटेज कंसंट्रेशन भी दे देगा तो मोल फ्रैक्शन। उसके बाद पांचवा, जैसे आप जानते हैं नॉर्मेलिटी, पूरा रेडॉक्स रिएक्शन, यही पढ़े थे, बोलो नॉर्मेलिटी कैपिटल है। छठवा पीपीएम, परसेंटेज कंसंट्रेशन, अरे कहां भागे जा रहे हो, सुन लिए तुम लोग, केंटारो तुरंत याद आ गया, बोलो
आगे भी तो देख लो परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब इसमें भी तीन होते हैं, कौन कौन? परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा कौन होता है बोलो? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा कौन होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पांचवा, छठा, सातवां देखो, पीपीएम कंसंट्रेशन, जिसे तुम लोग बोलते हो पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन वैसे ही PPB एंड PPT भी हो सकता है, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन भी हो सकता है, बोलो। हाँ सर। यस सर। पार्ट्स पर बिलियन, ये सब तो नाम ही सुन के हमको डर लगता है। पार्ट्स पर ट्रिलियन। एक और आता है फॉर्मेलिटी, याद है? हाँ सर। ये कंसंट्रेशन की वो चीज है जो तुम लोग करते हो हमेशा, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हो टेस्ट में। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जस्ट लाइक ए मोलैरिटी, बस ये आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहा जाता है, फार्मूला वेट होता है, बोलो। बोलिए भाई आगे बढ़े। सर ये वही ना, वो फॉर्मूला मास वाला। हाँ भाई, फॉर्मूला मास अपन वेट अपन फॉर्मूला वेट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर। हाँ ठीक। तो आपकी कोशिश के लिए बता दिया जाए, सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? आप घर पे सौम्या शर्मा शरबत कैसे बनाती है? चीनी में पानी डालती है कि पानी में चीनी डालती है? पानी में चीनी। पानी में चीनी, तो ये गलत तरीका है। यही तरीका आप अपना के जाएंगे लैब में, मुक्का मार देंगे वहां। सर सर तो घर पे थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। देखिए, टेक सल्यूट फर्स्ट, पहले सल्यूट लीजिए, देन ऐड वाटर इन इट, देन ऐड H2O in it, फिर उसके बाद इसमें क्या डालिए? पानी डालिए। ठीक। एंड किसकी मेथड बता रहे हो? फॉर्मेलिटी की? नहीं नहीं, दुनिया का कोई भी सोल्यूशन बनाने का तरीका। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेक सोल्यूशन 1 लीटर, जैसे मैं कहा कि तुम्हारे पास एक्सेस में शुगर खूब ढेर सारा और पानी भी खूब है, H2O भी एक्सेस में है, जितना मन चाहे उतना ले सकते हो, और शुगर भी एक्सेस में है, जितना मन चाहे उतना ले सकते हो। ठीक है। अब तुम्हें इन दोनों को लेते हुए एक सोल्यूशन बनाना है जिसका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो 40 ग्राम पर लीटर होना चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसका कंसंट्रेशन 40 ग्राम पर लीटर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो एसी ऑन करेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके बाद क्या करेंगे बताइए? हाँ बताइए मंदीप ब्रांड, क्या करेंगे? पहला तरीका तो ये है कि 1 लीटर पानी ले लीजिए, 40 ग्राम सॉल्यूट, 1 लीटर पानी लेके उसमें 40 ग्राम सॉल्यूट तराजू से वजन करके डाल दीजिए। बोलो भाई कल्पना, यही करेंगे ना? हाँ सर। अरे कैसे ऐसे करेंगे तुम बताओ, ये तो सौम्य वाला मेथड हो गया, घर पे शरबत बनाना। तो ज्यों 40 ग्राम वजन, तो कौवा वाली कहानी नहीं सुनी हो, प्यासा कौवा प्रो, ज्यों इसमें 40 ग्राम चीनी डालेगा पानी का लेवल तो ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर से ज्यादा हो गया, इसका मतलब 40 ग्राम पर लीटर तो सोल्यूशन नहीं रह जाएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम तो 1 लीटर से बढ़ गया। बोलो। हाँ सर। तो ये गलत है, लिख लो सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर से बढ़ जाएगा। सर एक्सक्यूज मी, मेरी नानी जी बुला रही है, मैं 2 सेकंड जाकर आई। बिल्कुल बिल्कुल, हमें नहीं बुला रही है, बोलो।
नहीं सर। हाँ ठीक ठीक एक बार मैंने अपनी नानी को देखा, उसने अपनी साड़ी में पैसे कोने में ऐसे गांठ बांध के रखे थे। मैंने उसको पकड़ा, हमने कहा नानी ये पैसे निकाल दे, नहीं तो यहीं दबा देंगे तेरी गर्दन। तो उसने मेरी मम्मी से कंप्लेन की थी कि तेरा बेटा बहुत नालायक और बदतमीज है, तो मैं बहुत मार खाया था। हालांकि वो 500 की नोट थी, तो मेरा ईमान डोल गया था। फिर कभी कभी बाइक से घुमा ले जाते थे नानी को दवा ववा दिलाने। तो एक नदी आती है हमारे यहाँ, नदी के यहाँ जब बाइक रोकते तो नानी डर जाती थी कहीं मुझे फेंकेगा तो नहीं है, क्योंकि मैं पैसे का बहुत ज्यादा लालची था, तो वो डरपोक थी बहुत। नानी से याद आ गया। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखा है? सॉल्यूशन के बाद तो हम लोग नानी की बात कर रहे हैं। वन लीटर नहीं सर, एंड मेक सॉल्यूशन वो वाला मेथड। हां वो भी 1 लीटर ही लिखा है, वो सर्कल करके लिखा है वो क्लाउड में। मेक सॉल्यूशन 1 लीटर सर, 40 ग्राम सॉल्यूट ले गए, 960 ग्राम और 960 लीटर। ना ना ना, हम पानी का तो वजन ही नहीं करेंगे ना, तो ये मेथड गलत है, आप समझ गए ना। ये बनाने का सॉल्यूशन, ये 100वां मेथड कहलाता है, बेकार है बिल्कुल। दूसरा मेथड यह है कि पहले हम उस बीकर में 40 ग्राम सॉल्यूट डाल लेंगे। देखो भाई सौम्या सर, पता चल रहा है? हाँ सर। अब क्या करेंगे, अब पानी डालना शुरू करेंगे, और इतना पानी डालेंगे खल 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 कहाँ जाके रुके? 1 लीटर यहाँ, 1 लीटर बोल। अब क्या करेंगे, एक उसका ढक्कन रहता है, ढक्कन मतलब जानते हो कैप, उस पर ऐसे दबा करके ऐसे हिला दिया जाता है, बस पूरा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा। ये आपका हुआ 40 ग्राम पर लीटर, समझ गए? मैंने देखा है कॉलेज में बच्चे ऐसे ही सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे सौम्या तुम घर पे बता रही थी शरबत, क्या करते हैं कि 2 गिलास पानी लेते हैं, उसमें चीनी नाप के डाल देते हैं, अगर गिलास कभी भर के लो देखो पानी गिर जाएगा। और ऐसा लड़के पता है एमटेक में करते हैं। सर हिलाना होता है तो कोई ऐसे भी फुल भर के थोड़ी ना लेगा, लेकिन फिर भी 1 लीटर पानी नाप लेते हैं ना वो, फिर उसके बाद 40 ग्राम चीनी डालते हैं, उतना याद नहीं रहता है ना उसमें। एक्सपेरिमेंट का नाम बता दे रहे हैं तुम्हें, तुम भी करोगे, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। केन सुगर का इन्वर्जन, वो क्या होता है कि लाइट को रोटेट कराता है, ग्लूकोज होता है ना उसमें, बोलो। अब ग्लूकोज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो केन सुगर लाइट को रोटेट कराता है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी निकाली जाती है, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व रोटेशन वाला फॉर्मूला लगा। हाँ तो ये बात है। अब बताइए, अभी डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन तो सब जानते ही होंगे, हम लोग सीधे डिफिनेशन लिख करके इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए सर। जैसे हाँ बोले बोलो सर, ये फॉर्मेलिटी है वो क्या होता है, एक बार समझाओ। अभी बस फॉर्मेलिटी पे आगे ही आ रहे हैं, पहले लिखो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है, बोलो। ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो। हाँ सर। तो वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अभी याद आ गया, जहां सोल्यूशन में डॉट 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 लाइन छोड़ के गए थे वहां पे आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिखना था, बोलो।
लेकिन छोड़ो, ठीक है ये समझते हैं। अच्छा मोलैरिटी की डिफिनेशन क्या होती थी? मोलैरिटी कैपिटल एम क्या होता था? मोल अपॉन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो। हाँ सर। पर तो भाई इंटरनेट बहुत सॉलिड लगवा लिया, इसका आवाज तो कट ही नहीं रहेगा। मुस्कुराता हुआ इंटरनेट नाम है तुम्हारी कंपनी का नेट वाली? नहीं सर, एयरटेल। अच्छी बात है, हंसना कोई खराब थोड़ी है। कुछ किसी किसी लोग को तो 10 साल हो जाते हैं हंसे हुए, याद करते हैं कब हंसे। लेकिन बस याद रखना, गलत टाइम पे मत हंस देना। जैसे कहीं किसी कोविड के बाहर कोई पेशेंट मर रहा हो, वहां ऐसे मुस्कुरा दोगे तो भीड़ दौड़ा लगी, उसको लगेगा कि आदमी की क्राइसिस पे तुम हंस रहे, जबकि तुम्हारा तो स्वभाव है हंसना। बोलो। अरे ना सर, भी कभी बोलोगे कि हमेशा हाँ सर। तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों के बीच रिलेशन पता करना हो, इंटर कन्वर्जन, तो क्या करेंगे? अब जरा आप बताइए, कंसंट्रेशन की ओम दवे कितनी यूनिट आई? 10। अब 10 में से किन्हीं दो को लेके एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो कितने ऐसे फॉर्मूले एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं? 10C2। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे मतलब हजारों फॉर्मूले आ जाएंगे। बोले तो मतलब इस जन्म में अब यही किया जाएगा क्या? कंसंट्रेशन ही पढ़ा जाएगा। हम एक भी फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, हम हर चीज को उसके डेफिनेशन से सोच के लगाएंगे। तो इनके इनके बीच क्या रिलेशन होगा सर? हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड करें? पहले वाले को, कंसंट्रेशन। हाँ, किसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें? सॉल्यूट, सॉल्यूट। हाँ, तो इसका मतलब मोलैरिटी, या यू कहो कि मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। बोलो। यस सर। चल दूसरा समझो। एक सेकंड रुको। दूसरा समझते हैं, मोलैलिटी का डिफिनेशन भी आपको पता था? ये क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बोलो। हाँ सर। इसका मतलब स्मॉल एम मोलैलिटी, इसका टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो। हाँ यान। हाँ सर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आयराइज होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी ठीक है, सिंपल होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में भी मॉड्यूल में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड
मोलैलिटी। तो हम बहुत अच्छे से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की मदद से। बोलो तो क्या है फॉर्मूला, किसी को याद है? शुभम उपाध्याय ओम दबे, मोलैरिटी मोलैलिटी के बीच फॉर्मूला याद है? सर फॉर्मूला नहीं याद है पर वो तरीका याद है। तो सब वो बोर्ड वाले सर नहीं बताए थे फॉर्मूला ऐसे करके कुछ नहीं बताया थे? मोलैरिटी मोलैरिटी m by सॉल्यूट प्लस w ऐसे करके रिलेशन नहीं बताया था 1000 ऐसे करके। नहीं सर ये नहीं बताया। अरे एक बार जे में फॉर्मूला में पूछ दिया था व्हिच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी मोलैरिटी, हमें भी याद नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इजिली इंटर कन्वर्टिबल, इनको आपस में आराम से इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। बशर्ते क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, बोलो भाई श्रद्धा ठक्कर। हाँ सर। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी, तुम उधर कहाँ देखती रहती हो? अच्छा ये डीपी लगाई हो, मुझे लगा तुम हमेशा उधर ही क्यों देखती। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई हो तो हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ टू मोलर यूरिया सॉल्यूशन हूज डेंसिटी इज 1.02 ग्राम पर एमएल। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ थ्री मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन हूज डेंसिटी इज 1.02 ग्राम पर एमएल। अभी देखिए दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया है। सर ये सेकंड क्वेश्चन में नीचे का नहीं दिख रहा। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ थ्री मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन हूज डेंसिटी इज उतना ही जितना पहले क्वेश्चन की थी। नीलकंठ कहाँ घूम रहे हो बागीचे में? सर बागीचे में नहीं घूम रहा। कहाँ हो, फार्म हाउस? सर घर पे ही हूँ। घर पे इतनी अच्छा बैकग्राउंड हरियाली के लगा ली हो। ध्यान से देखिए पहले। हाँ क्या हो गया? हाँ मोलैलिटी पूछा है। पहले क्वेश्चन देखिए, मोलैरिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, मोलैलिटी पूछा है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है बोलो? मोलैलिटी दिया है 3, डेंसिटी दिया है 1.02 ग्राम पर एमएल, और क्या पूछा है? मोलैरिटी पूछा है। क्या ये दोनों क्वेश्चन लगा के आप तैयार रखेंगे? हाँ सर। रिलेशन बोलो सर। हाँ रिलेशन बोलो जरा, हमें भी याद हो जाए। सर मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी
माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बाप रे बाप। अब देखो, अब ये तो किसी को याद तो रहेगा ही नहीं, बोलो। तो अगर इसको अलग अलग कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? स्मॉल m इज इक्वल टू, उल्टा कर दो, वन बाई मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये उल्टा हो क्या हो जाएगा, थाउजेंड थाउजेंड कैन d बाई m डेंसिटी बाई मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। देखो ये रिलेशन होता। अब वो रिलेशन तब तो हम हर दो कन्वर्जन के लिए लेके चलेंगे, बोलो। हाँ या ना? तो रिलेशन से नहीं जाना है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, डेफिनेशन का इस्तेमाल करके लगाइए। तो विक्रांत भट्ट, आपने कब टेस्ट कराया? सर मैंने कल सुबह को। क्या सिम्टम आ रहे थे? सर खांसी आ रहे थे और फ्राइडे से पूरा मतलब बुखार ही टूट रहा था, शरीर पूरी ऐठन। हाँ सर, फ्राइडे से कुछ पढ़ा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब गर्म पानी काढ़ा ट्राई किए थे? हाँ सर। तो बहुत कम इंटेंसिटी होगा? सर अभी तो थोड़ा हील हो रहा है। हाँ, वो सिंपली टेबलेट लिख के दे दिया होगा घर पे कि आराम करो और कुछ होगा तो बात कर लेना ना। हाँ सर। सर अभी तो घर में रहते हैं, इसको भी कोविड हो जाता है। हाँ, अब देखो होता क्या है ना, जिसको नहीं भी कोविड है, हवा में भी, और अब तो दिमाग में ही बस चुका है ना, अब तो कोविड से पहले की दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। तो अब दिमाग में बस चुका है, जो कोविड का टेस्ट कर रहा है वो भी कोविड पॉजिटिव, जो नहीं है वो भी, जो है वो तो है ही, मतलब तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कोविड से डिसाइड हो रहा है। लेकिन इजराइल में वैक्सीन आने के बाद उधर ओपन कर दिया ना सब कुछ। क्या क्या? इजराइल की वैक्सीन आने के बाद मंदी बंद कर दो, के बाद पूरे पॉपुलेशन को लगवा दिया तो फिर उधर सबको रिलीज कर दिया, मतलब मास्क पर उधर पॉपुलेशन 80-90 लाख ही है। अरे तो इजराइल की पॉपुलेशन, इजराइल तो गुजरात इतना ही बड़ा है। वैक्सीन नहीं, जब सबको कोविड हो जाएगा फिर किस कौन बचेगा, फिर कुत्ता बिल्ली को थोड़ी होगा, तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। इसके जाने का एक ही तरीका है, पहले ये आ जाए ढंग से तभी जाएगा, समझ गए? इसको अगर रोकना है तो बहुत सीरियस लॉकडाउन की जरूरत है। ना ना, लॉकडाउन से कभी नहीं रुकता है जी। और बड़े लॉकडाउन ना ना, लॉकडाउन से बस गवर्नमेंट को काम करने का समय मिल जाता है, जैसे तुम्हें 2 दिन की छुट्टी के बाद तैयारी करने का समय मिल जाएगा। लेकिन तुम अगर चाहो कि आईटी प्रोस्पॉन्ड होता रहे तो तुम बुढ़े हो जाओगे, आईटी प्रोस्पॉन्ड होता रह जाएगा, नहीं निकल पाएगा आईटी। लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है। मनदीप बंद कर दो रिकॉर्डिंग, ये सब भी कोविड की रिकॉर्डिंग करोगे।